so sweet. Bye. Next time ask me. Oh, that's so sweet. निकलते थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि थकी हूँ मैं. My God, this is one of the happiest day of my life. I'm very happy. हमने एक स्टॉप लिया है और थोड़ा सा कुछ लंच करेंगे. मैंने एक्चुअली सुबह से कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मेरी जो गाड़ी है वो थोड़ा सा लेट डिलीवर हुई अराउंड 11:30 समथिंग. तो निकलते निकलते थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि पैकिंग करना था. मैं नहीं कर पाई थी रात में, थोड़ा सा आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. पैकिंग करना था एंड देन आई गॉट माई कार डिलीवर्ड एट अराउंड 11:30. सो मुझे रेडी होके पैक करते करते निकलते निकलते इट्स 12:30 हो गए, 12:30 और 1. उसके बाद थोड़ा सा सिटी में रश था. सो फार रास्ते भी सही है. थोड़े से यहाँ से जैसे एक हाईवे से एक लेफ्ट आता है वहाँ से थोड़ा सा रास्ता पतला हो गया, बट सो फार रोड्स आर गुड. अभी थोड़ा सा रुके हैं, अभी बज रहे हैं 3 और थोड़ा सा कुछ खाना खाएंगे एंड फिर यहाँ से निकलेंगे. यहाँ से जो मेरा स्टे है वो है चंद्रवाड़ी में बुक्ड है, तो अभी वहाँ पे पहुँचते पहुँचते अराउंड मुझे लग जाएंगे 1.5 घंटे जो टाइम बता रहा है मुझे. सो या मेरी स्टे ऑलरेडी 1 रात की बुक्ड है एंड लेट्स सी उसके बाद मैं क्या प्लान करती हूँ. आई थिंक 1 या 2 दिन इधर रख जाऊँगी, पर भाई आई डोंट नो. पर स्टार्टिंग में तो रास्ता जब एंटर किया तो काफ़ी अच्छा था, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि अच्छा चलो आई एम गोइंग टू एन्जॉय इट. बट उसके बाद थोड़ी सी जब चढ़ाई आती है ना, एंड ये गाड़ी थोड़ी सी पुरानी है जो मैंने अभी रेंट पे ली हुई है, तो थोड़ा सा वो पिकअप उठाने में प्रॉब्लम होता है. कहीं कहीं तो ऐसा होता है ना कि जान सूख जाती है. बट आई थिंक आई डोंट नो मैं कैसे खुद को ऐसे सिचुएशन में पाती हूँ, मुझे भी नहीं पता ये. बट अच्छा लगता है जब खुद को चैलेंज करो ना, और एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है कि अच्छा चलो कुछ अच्छा किया. आई डिड इट व्हाट आई वाज थिंकिंग लाइक 12 आवर्स बिफोर कि मैं नहीं कर पाऊंगी. तो इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग नो डाउट. सो करना चाहिए, मतलब थोड़े रिस्क तो लाइफ में लेने चाहिए. हाय ऑल, फाइनली हम भी पहुंच चुके हैं पहलगाम में एंड थकी हूँ मैं. But it was a good journey. थोड़ा सा रुका है मैडम. ठीक है, हाँ जी. कैसे रुका? बस सर थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहे थे, सोचे उतर के देखे. थैंक यू. तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, हर जगह हमें ऑफिसर्स मिल जाते हैं. सो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दे आर वेरी हेल्पफुल. सो बेस्ट पार्ट अबाउट ड्राइविंग अराउंड कश्मीर इज लाइक यू विल गेट आवर सोल्जर्स everywhere, like every corner of the streets, even in the remote areas. So I think that is the best experience I had. And meri shakal ki aisi taisi ho rakhi hai, I just can't believe. For Pehlgam humne ek jagah pe halt liya hai, just enter kiya hai, and let me show you, it's so beautiful. Bagal se river beh rahi hai and I just can't imagine my eyes that I drove myself from Kashmir till here. Oh my God, this is one of the days which I am going to remember my whole life. So before that I am thirsty because baharon ke raste bahut zyada tough the. सो चलिए आपको बाहर दिखाते हैं हाउ इट्स लुकिंग. एंड अगर आपका दिल ना आ गया ना तो आप कहना. अगर ये है फाइनली हमारी गाड़ी और हम पहुंच चुके हैं पहलगाम में एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक जस्ट सी दिस. ओह माय गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव. वूहू, एंड दिस रिवर इज जस्ट following along with me. I just can't believe I made it till Pehlgam. Oh my God, this is one of the happiest day of my life. I'm very happy. यहाँ से चलते हैं पहले अपने stay में, but उससे पहले I just want to see this. Oh my God, it's very beautiful. I think this my decision is worth coming here in Pehlgam. And just look at this. You need to see this.
ये है हमारा ब्यूटीफुल सा होम स्टे। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि सारी अच्छी चीज़ें मेरे साथ इसी ट्रिप पे हो जाएंगी। इतने अच्छे लोग, इतने ब्यूटीफुल स्टोरीज, इतना प्यार, अपनापन, मतलब मुझे तो यहाँ से जाने का भी दिल नहीं कर रहा था। और ये लोकेशन, ये होम स्टे इतने ब्यूटीफुल लोकेशन पे है, आई कांट सी दिस। और ये फैमिली इतनी अच्छी है जिन्होंने मुझे इतने प्यार से होस्ट किया, एंड दे ट्रीटेड मी जस्ट लाइक वन ऑफ देम, देयर फैमिली, एंड अ लॉट ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस। आई थिंक यही चीज़ें एक ट्रैवल को बहुत स्पेशल बनाती हैं। एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी, अच्छे लोग, अच्छा एक्सपीरियंस, एंड आई वॉज सो ग्लैड आई फेल्ट लाइक मैं जब बहुत फेमस हो जाऊंगी ना, फिर मैं आके फिर आप लोगों का फेस लिख, फिर आप लोग उसमें स्पेशली वैल्यू मैसेज देना। आप लोगों से लिटरली मिलके बहुत अच्छा लगा, सो थैंक यू सो मच। एंड अभी मेरे को ऐसा लग रहा है ना, दिस आरू वैली इज माई फैमिली नाउ, सो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी आप लोगों के पास डेफिनेटली आऊंगी। एंड आंटी, ओ माय गॉड, यू आर सो स्वीट, बाय बाय स्वीटी। हुई है एंड ओ माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। लेट्स सी, ये तो मेरा